पानीपाग संपर्कित खबर उपर नजर पकईनवा ओडिशार समस्त सामुद्रिक बंदर रे एक नंबर विपद संकेत जारी करिछि आंचलिक पानीपाग विभाग। लघुचाप आज सका अवपात में परिणत होइछि। पश्चिमबंग सागर आइलैंड ठारु अवपात 1460 किलोमीटर दूर से रही वर्तमान दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में सक्रिय रही। ओडिशा और बंगलादेश सीमा रु यह वर्तमान 1130 किलोमीटर दूर से रही। आसंता काली गंभीर अवपात में परिणत हो 24 तारीख में पूरी जगत सिंहपुर एवं केन्द्रापड़ा जिला को प्रबल वर्षा संभावना रही। 25 तारीख में बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जाजपुर जगत सिंहपुर कटक मध्य वर्षा संभावना रही। कालीठ मत्स्यजीवी को समुद्र भितर को जीवाक बारण कर आज राति सुधा उपकूल को फेरी आसवाई पाणीपाग विभाग पक्ष जारी हो सतर्क सूचना। काल जो लो प्रेशर एरिया नॉर्थ अंडमान से एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट साउथ अंडमान एंड साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में था, उसका मूवमेंट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वार्ड हुआ है और आज सुबह डिप्रेशन व अवपात में इंटेंसिफिकेशन हुआ है, रूप लिया है, कॉन्सेंट्रेट हुआ है। इसका लोकेशन अभी साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एंड हमारा एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एरिया में है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाइज 12.7 डिग्री नॉर्थ और 92.4 डिग्री ईस्ट। डिस्टेंस हमारा रिफरेंस स्टेशन सागर आइलैंड से 1460 किलोमीटर दूर में है। सागर आइलैंड हमारा वेस्ट बंगाल का और बोरिशाल बांग्लादेश का 1130 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट में है। इसका मूवमेंट नॉर्थ वेस्ट वर्ड रहेगा और डीप डिप्रेशन में इंटेंसिफिकेशन होने का चांसेस है कल मॉर्निंग तक। फिर इसका रिकार्पिंग होगा और सब्सिक्वेंटली हमारा इसका इंटेंसिफिकेशन भी इंक्रीज होगा, साइक्लोनिक स्टार में रूप लेने का चांसेस है 24 अक्टूबर मॉर्निंग। तो इसका प्रभाव हमारा उड़ीसा में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें रेनफॉल हल्का से मध्यम होगा, एक दो जगह में हैवी रेनफॉल हो सकता है 24 अर्ली आवर्स में। मेनली पुरी जगत सिंहपुर और केंद्रपाड़ा तीन डिस्ट्रिक्ट के अंदर में और 25th मॉर्निंग तक इस समय भी नॉर्थ कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह में हैवी रेनफॉल हो सकता है, मीन्स बालासोर भद्रक जज केंद्रपाड़ा जजपुर जगत सिंहपुर कटक के सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक दो जगह में हैवी रेनफॉल हो सकता है। खबर सह अपडेट रहिबा पाई जी ओडिसा न्यूज को सब्सक्राइब करंतु।